मनीष झा हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी मौजूद हैं। मनीष, जरा तफसील से जानकारी दीजिए कि इस मामले की जांच में आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि सितंबर के पहले हफ्ते का ये पूरा का पूरा मामला है जब ये मेल आता है और उसके बाद डेटा जो है वो गायब हो जाता है एनआईसी का। इस मामले में जांच कहां तक पहुंची है, क्या जानकारियां निकलकर सामने आई हैं, कौन लोग इसके पीछे हो सकते हैं? देखिए समीर, इस मामले की जांच के दो पहलू हैं जिस पर अभी फिलहाल एजेंसी काम कर रही है। पहली पहलू तो जिसके बारे में जितेंद्र ने बताया भी कि दिल्ली पुलिस इसमें ये देख रही है कि कौन एजेंसी इन्वॉल्व थी, जहां से मेल आया और किसने मेल किया, और ये सब साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है। लेकिन जो चिंता है वो दूसरी है। चिंता ये है कि उस सॉफ्टवेयर के जरिए पीएम की सिक्योरिटी, पीएम के मूवमेंट या एसपीजी की जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की तकनीक है, वो सब तमाम तरह की इंफॉर्मेशन है। ऐसी स्थिति में जो वीवीआईपी सिक्योरिटी में लगे लोग हैं, वो अब अपने सभी तरह के प्रोटोकॉल को रिवाइज कर रही है और वो ये एसेस कर रही है कि आखिर हमसे संबंधित कितनी सारी सूचनाएं अब तक बाहर निकल चुकी है। क्योंकि अगर वो सूचनाएं बाहर है तब आप फिर उसी प्रोटोकॉल के तहत वीवीआईपी की सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि एनआईसी के तहत चाहे पीएमओ हो, प्रेसिडेंट ऑफिस हो, हर तरह के सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को पास ऑन किया जाता है। ऐसी स्थिति में अब एक असेसमेंट यहां सरकार के टॉप लेवल पर यह हो रहा है कि एनआईसी से कितनी इंफॉर्मेशन ऐसी निकल चुकी है जिसको दोबारा से नए सिरे से नए इंफॉर्मेशन के साथ लाने की जरूरत है, और यह दो तरफा चुनौती अभी फिलहाल एजेंसियों के सामने भी है। लेकिन ये बात जो है ये बहुत ज्यादा चौंकाती है, क्योंकि ये तो बड़ा पुराना तरीका है साइबर अटैक का कि आप किसी को एक मेल भेजिए, उसमें एक लिंक हो, लिंक को क्लिक किया जाए और डेटा आपके कंप्यूटर का चोरी हो जाए। यही तरीका अख्तियार किया गया? बिल्कुल सही कहा आपने, और अक्सर हमें हर साइबर एक्सपर्ट पहले तो यही सलाह देता है कि कोई अनजान मेल अगर आए तो उसको आप नहीं खोलें अगर आपको उसमें संदिग्ध लगता है तो। लेकिन मुझे लगता है कि इस मामले में शायद, हालांकि इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा, लेकिन एनआईसी का जो प्राइमरी तौर पर कहना है वो यही है कि वो किसी एक ऐसी एजेंसी जिसके साथ वो लगातार टच में थे उसके नाम से मेल आया और इसलिए यह गलतफहमी हुई। बहरहाल इस मामले में क्या कोई इंसाइडर इन्वॉल्व है या फिर जो संबंधित एंगल्स पर जांच करनी होगी। मनीष, और बने रहे आप हमारे साथ इस अहम खबर पर, लगातार हमारे पास जो अपडेट आ रही है वो दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके न घर के न घाट के, देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,